आज हम लोग जनरली एक ऑर्गेनिक का रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्माइल्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे ये एक ऑर्गेनिक का रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक करेगा और वहाँ से ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा, यानी कि यहाँ पे इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है SN1 का रिएक्शन और SN2 का रिएक्शन। तो SN1 और SN2 का रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जो है वो अटैक करेगा रिएक्टेंट पे और वहाँ से प्रोडक्ट देगा और वहाँ से एक्स माइनस देगा। ये जो एक्स माइनस, यहाँ जो एक्स है ये एक जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, इसीलिए वहाँ से न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से लीव कर गया। अब इस्माइल्स रीअरेंजमेंट में हमको सबस्ट्रेट कैसा दिखेगा, सबस्ट्रेट तीन टाइप का होगा, जनरली तीन टाइप का होगा। पहला, इसके इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप ए लगा हुआ हो, या फिर इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे ग्रुप ए लगा हुआ हो, या इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा दोनों पे ग्रुप ए लगा हुआ। यहाँ पे जो एक्स है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है और जेड जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और जेड से जो हाइड्रोजन लगा हुआ वो एसिडिक होना चाहिए। यहाँ पर ए और बी जो होगा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मान लेते हैं कि नाइट्रो भी हो सकता है और भी बहुत से ग्रुप है। एक्स जो है वो लिविंग ग्रुप है, जेड जो होगा वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा। रिएजेंट जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे इस माइस रिएजेंट में वो बेस होना चाहिए और वाटर और एच प्लस का भी यूज हम करेंगे। अब हम लोग इस माइस रिएजेंट का मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में यहाँ पर हम लोग एक बेस दिए हैं, नाइट्रोजन के पास एक एसिडिक प्रोटोन है, ये बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस एसिडिक प्रोटोन को और उसके बाद यहाँ पे बेस जब अटैक कर लेगा तो यहाँ एक अनायन बनेगा। चूंकि यहाँ पे CHO है, CHO एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि अपना माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का जो कैरेक्टर है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे पोजीशन को इप्सो पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पे जो अटैक होगा ये स्लो होगा, स्लो इसलिए होगा क्योंकि जब इस स्टेप से इस स्टेप में रिएक्शन बढ़ रहा है तो यहाँ पे बेंजीन का एरोमेटिसिटी लॉस कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो उसके बाद यहाँ पे फिर रेजोनेंस शो करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये वाला एज अ लिविंग ग्रुप ऑक्सीजन जो होगा वो लीव कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो इस स्टेप से जब हम लोग इस स्टेप में आ रहे हैं तो ये फास्ट हो रहा है। ये फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिसिटी फिर से गेन हो रहा है। अब फाइनल स्टेप में हम लोग H2O देंगे और H प्लस देंगे तो ये O माइनस जो होगा H प्लस को ले लेगा और लेकर के OH बनाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये वाला फाइनल प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट ये है और इनिशियल प्रोडक्ट ये है। दोनों फाइनल और इनिशियल प्रोडक्ट में सिर्फ एक चीज का ही अंतर है, इनिशियल रिएक्टेंट है। फाइनल और इनिशियल प्रोडक्ट में फाइनल और इनिशियल रिएक्टेंट में एक ही चीज का फर्क है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है और यहाँ जो बॉन्डिंग हुआ वो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो गया है। अब इस स्माइल्स रीअरेंजमेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं तो एक नया रीअरेंजमेंट रिएक्शन बनता है जिसको कि ट्रूस स्माइल्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ट्रूस स्माइल्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे।